नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रे मैटर्स बॉट में। और हमारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि टेलीग्राम के ऊपर आप अपने चैनल को कैसे रैंक करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि आपको सबसे पहले गूगल पे सर्च करना है, जिसमें मैंने आपको कोई आपको किसी मूवी के नाम से अपने चैनल को टेलीग्राम चैनल को रैंक करवाना है। तो आपको क्या करना होगा, जैसे मान लो आज से 1 महीने बाद कोई मूवी रिलीज होने वाली है, जैसे कि फिलहाल एक मूवी रिलीज होने वाली है 25 नवंबर को, जिसका नाम है कोरा कागज़। ठीक है, तो आपको इस मूवी के लिए एक पहले से चैनल बना के रख लेना है। तो एक एक इसका चैनल आपको बना के रख लेना है, और आपको चैनल में इस मूवी का नाम ही यूज़ करना है। और आप स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, वैसे आप स्पेसिफिक ना हो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, आपने बस मूवी का नाम ले लिया तो आपकी वीडियो जो मूवी होगी वो ज़्यादा टॉप पर आएगी। किस तरह से मैं आपको दिखा दूंगा। अभी मैंने कोरा कागज़ यहाँ पे नाम डाला, आपने इसके डिस्क्रिप्शन में भी यही डाल देना है और इसे डन कर देना है। अब यहाँ पे आपको पब्लिक ही करना पड़ेगा ताकि आपको रैंक करवाना है आपका चैनल जो है। तो मैं यहाँ पे इसका नेम यहाँ पे डालूंगा, और आपको यहाँ पे नेम को वैलिड करना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑलरेडी टेकन है, क्योंकि जो ये मूवी है वो रिलीज होने वाली है 25 तारीख को, इसी 25 को, और लोगों ने इस नाम से चैनल बना लिया ताकि उनके चैनल्स पे व्यूज़ आ सके। तो आप इसमें ऐसे कुछ तरह से 01 भी यूज़ कर सकते हैं, 2 भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ इस तरह से लोग ऐसा इस मेथड को यूज़ करते हैं अपने चैनल्स को रैंक करवाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे 1 यूज़ कर लिया, तो ये यहाँ पे आ गया। मैंने ये चैनल यहाँ पे क्रिएट कर लिया, और एक मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ अपना, ताकि मेरे को पता चल जाए मेरा चैनल है। अब मैं अपने दूसरे अकाउंट से सर्च करूँगा इस चैनल को। तो सपोज़ करो मैंने यहाँ पे इसे सर्च किया, और मैंने यहाँ पे इस मूवी का नाम सर्च किया, तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे चैनल्स आ चुके हैं। लेकिन इन चैनल्स के अंदर एक चैनल है जो मेरा रैंक कर गया है अभी से। आप इस चैनल को देखें, कोरा कागज़, एक एक सब्सक्राइबर है इस पर, और ये मेरा ही चैनल है। और आप देख सकते हैं मैंने अपनी दूसरी आईडी से इसे रैंक करवा दिया इतनी जल्दी। तो इस तरह से आप कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि आपको अपने चैनल का नाम टेलीग्राम पे किस तरह से रखना है। आपको ये याद रखना है कि आपका जो चैनल है उसका नाम क्लियर होना चाहिए, सही स्पेलिंग होनी चाहिए, और उसका नाम और डिस्क्रिप्शन में भी जो भी आप चीज़ रैंक करवाना चाहते हैं वो सिमिलर होनी चाहिए, और उसका जो URL वो सॉरी उसका जो यूज़र नेम है वो भी सेम होना चाहिए। वैसे तो सबसे चीज़ सही रहती है अगर इसका नाम इसमें सिर्फ कोरा कागज़ होता, 1 नहीं होता, लेकिन जो 1 है मतलब जो सिंपल कोरा कागज़ है वो पहले से ऑक्यूपाइड है, उसे पहले से किसी ने लिया हुआ है, तो हम उसे नहीं ले पाए, तो मैंने इसलिए इसे 1 कर दिया। अगर आप यहाँ पे 1 ना आए तो आप 1 की जगह आप यहाँ पे और भी यूज़ कर सकते हैं, 2 भी यूज़ कर सकते हैं, 01 भी यूज़ कर सकते हैं, और अंडरस्कोर करके 01 भी यूज़ कर सकते हैं। बस आप क्या है, आपका चैनल रैंक होना चाहिए जो मैटर करता है। ठीक है, इसीलिए और ज़्यादा इसके अंदर कुछ घिचड़ पिचड़ ना करें, वरना आपका जो चैनल का नेम है, यूज़र नेम है, वो डाउन चला जाएगा और वो लोगों के नज़र में नहीं आएगा। मेरा जो चैनल था वो अभी इतनी जल्दी रैंक कर गया, और वो सबसे पहले मेरे को ऊपर दिखाई दिया टॉप की लिस्ट के अंदर। तो इसी तरह से ये जो टेलीग्राम का सिस्टम है इस तरह से वर्क करता है। सपोज करो एक मेरी दूसरी आईडी है, और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ग्रे मैटर्स बॉट। तो इस नाम से अब देखो यहाँ पे ग्रे मैटर्स के नाम से जितने भी चैनल्स वगैरह हैं वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। देखो ग्रे मैटर्स के नाम से मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी यहाँ पे आ गया, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो बॉट्स रिलेटेड है। और मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ग्रे मैटर्स ही सर्च करा तो यहाँ पे मेरा सपोर्ट ग्रुप भी आ गया जो कि पब्लिक है, और इसके अलावा यहाँ पे मेरी ग्रे मैटर्स की आईडी भी आ चुकी है, और मेरी एक ग्रे मैटर्स कॉफ़ी करके एक चैनल है वो भी यहाँ पे आ चुका है। तो ग्रे मैटर्स के नाम से जितना भी था वो सब यहाँ पे आ चुका है, जो भी पब्लिक चैनल्स है ग्रे मैटर्स के नाम से। इस तरह से ये जो टेलीग्राम का सिस्टम है वर्क करता है। हमारी आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।